हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस इट्स अवर कम्प्यूटर क्लास लेट स्टार्टेड बेटा आज हम अपना जो फिफ्थ चैप्टर उसको कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर सिक्सटी टू पे जो है कैप्सॉग की ये बेटा हमारा जो चैप्टर था वो है की बोर्ड के बारे में अब की बोर्ड की जो कैप्सलॉग की है उसके बारे में हम करेंगे कैप्सलॉग की इज प्रजेंट टू द टू टाइप द लेटर इन कैपिटल जो कैप्सलॉग की है वो किस लिए यूज़ करते हैं जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल्स करने के लिए बड़े लेटर्स डालने के लिए हम क्या करते हैं लॉक की का यूज़ करते हैं आगे बेटा हमारे पास शिफ्ट की द शिफ्ट की इज़ यूज टू टाइप स्पेशल करेक्टर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कीज ये क्या करते हैं हम जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं उनका उनको लिखने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टू टाइप करैक्टर एंड यू हैव प्रस द शिफ्ट की एंड देन प्रेस सेवन आप क्या करते हो जब आपको एंड साइन जो है उसको टाइप करना है तो आप शिफ्ट की प्रेस करोगे और प्लस क्या करोगे आप सेवन की को प्रेस करोगे लोकेटेड अबब द अल्फ़ाबेट की जो हमारे अल्फाबेट की में होता है वो सेवन जो अल्फाबेट की में होता है उसको आप प्रेस करोगे वैन यू होल्ड डाउन द शिफ्ट की इट चेंज एनी थिंग यू टाइप इन टू अ कैपिटल लेटर इफ इट इज़ द लेटर और अपर सिम्बल ऑन द की वैन यू होल्ड डाउन द शिफ्ट की जब आप होल्ड डाउन होल्ड करती हो शिफ्ट की को इट्स चेंज एनी थिंग यू टाइप इन टू अ कैपिटल लेटर ये चेंज करता है कुछ भी जो आप कैपिटल लेटर उसमें टाइप करते हो इफ इट इज़ अ लेटर अगर ये लेटर है और द अपर सिम्बल ऑन द की और आपकी जो की है उसके अपर जो की है उसके ऊपर वाला सिम्बल है जो उसको वो चेंज करता है आगे बेटा सिम्बल की ये हमारी सिम्बल की

टैप स्टॉप टैप की किस लिए यूज करते हैं हम जब हम नॉर्मली हम स्पेस देने के लिए क्या करते हैं स्पेस की यूज़ करते हैं अगर हमको टैप करना, करना है और जम्प करना है फाइव स्पेसिस अगर फाइव स्पेसिस पर जम्प करना है तो हम टैप की का यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने अमन यहाँ पर लिखा और मैंने सिंह यहाँ पर लिखना है तो मैं टैप की का यूज़ करूंगी अगर मैं स्पेस की का यूज़ करूँगी तो मुझे टाइम लगेगा अगर मैं टैप की का यूज़ करूँगी तो जो हमारा कर्सर है वो ईजिली चौक करके आगे चला जाएगा इन एडिशन टू अब टाइप ऑफ कीज दे आर आर सम मोर कीज विच सम विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फंक्शन की इन एडिशन टू अब टाइप ऑफ कीज दीज आर सम मोर कीज जो टाइप ऑफ कीज होती हैं ये कुछ और कीज़ होती हैं विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फंक्शन की ये किस कीज कै फैक्ट जो कैटेगरी है वो किस कीज में आती है फंक्शन कीज़ की कैटेगरी में ये आती हैं फंक्शन कीज ये हमारी फंक्शन कीज़ है द कीज़ आर एफ वन टू एफ ट्वेल्व प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द की बोर्ड आर कॉल्ड फंक्शन की जो टॉप की रो में ये कीज़ होती हैं ये हमारी होती हैं फंक्शन कीज दीज कीज़ आर स्पेशल टास्क डो स्पेशल टास्क ये क्या करती है हमारा कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं इन डिफरेंट प्रोग्राम दे हैव डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट प्रोग्राम में इन कीज का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म परफार्म किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट इन एवरी प्रोग्राम एफ वन एवरी प्रोग्राम हर प्रोग्राम में जो हमारी एफ वन की होती है वो क्या करती है हमारे असाइन स्पेशल फंक्शन टू हेल्प स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने में हमें साइन करती है हमारी हेल्प करती है नेक्स्ट पेज नंबर सिक्सटी फोर पर हमारे पास है नेविगेशन कीज नेविगेशन कीज कौन सी होती है जो हमें डायरेक्शन देती है जैसे कीज़ ये हमारी एरो कीज़ है नेविगेशन कीज होम कीज इन सभी के बारे में जानते हैं इनका फंक्शन क्या है दीज कीज़ आर यूज टू मूव द इन डिफरेंट डायरेक्शन दीज कीज आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर कंट्रोल कीज ये क्या करती है हमारा जो कर्सर है डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आपने ऊपर जाना है तो इसकी का यूज़ करेगी नीचे आना है इसका साइड पे जाना है लेफ्ट और राइट इन दोनों कीज़ का आप यूज़ करोगे नेक्स्ट है हमारे पास होम की दिस कीज मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ लाइन ये कहाँ पर मूव करती है हमारी लाइन के बिगनिंग पर कंबिनेशन ऑफ कंट्रोल प्लस होम कीज़ कंट्रोल और होम कीज़ का कम्बिनेशन होता है कम्बिनेशन ऑफ बोथ कीज़ मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट अगर दोनों की हम प्रेस करते हैं साथ में तो जो हमारा होता है वो टॉप पे चला जाता है एंटर की नेक्स्ट है हमारे पास एंड की द की मूव द करसर टू द एंड ऑफ लाइन अगर हम एंड की का यूज करते हैं तो हमारी जो भी लाइन पे हम हैं उसके हम एंड में चले जाएंगे कम्बिनेशन ऑफ द कंट्रोल प्लस एंड की और हम जब हम कंट्रोल प्लस एंड की करते हैं तो क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कीज मूव द करसर ऑफ द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट ये कहाँ पर जाते हैं हम बॉटम पे अगर कंट्रोल होम का करते हैं टॉप पे जाते हैं और कंट्रोल एंड का करते हैं तो हम बॉटम पे चले जाते हैं अप पेज की द कर बाई द स्क्रीन इन द इन ऑन वन टाइम दिस की मूव द और पेज अप बाय वन स्क्रीन इन वन टाइम ये क्या करती है जो पेज अप की होती है हमारी ये क्या करती है जो कर्सर है उसे कहाँ पर मूव करती है एक स्क्रीन पे एक टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता है ये कर्सर जब हम पेज अप की का यूज करते हैं दिस की इज द कर्सर और पेज अप बाई स्क्रीन वन टाइम नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर सिक्सटी फाइव पे पेज डाउन की पेज डाउन की दिस की मूव्स द कर्सर और पेज डाउन बाई वन स्क्रीन इन वन टाइम ये पेज को डाउन कर जाती है एक टाइम में अगर हम डाउन जाना चाहते हैं तो पेज डाउन की प्रेस करेंगे डिलीट की दिस के इरेज द करैक्टर आफ्टर द कर्सर और सिलेक्टेड टेक्स्ट जो हमारा सिलेक्ट टेक्स्ट होता है जो हमारा यहाँ पर कर्सर होता है अगर हम डिलीट की प्रेस करते हैं तो वो हमारा जो भी करैक्टर होता है लेटर होता है वो डिलीट हो जाता है इंसर्ट की द की टर्न्स ऑफ द इंसर्ट मोड ऑन और ऑफ़ ये कहाँ पर होता है ये इंसर्ट की ये जो वो कहाँ कौन से मोड पाती है ऑन और ऑफ व्हेन द इंसर्ट मोड इज़ ऑन यू कैन इंसर्ट द टेक्स्ट इन द पोजीशन ऑफ द कर्सर व्हेन द इंसर्ट मोड इज ऑफ द द टेक्स्ट यू टाइप रिप्लेस द टेक्स्ट अगर आपका जो इंसर्ट की है वो ऑन है तो आप टैक्स टाइप कर सकते हो जहाँ पर आपका कर्सर है अगर आपका ये मोड है जो ऑफ है द टैक्स यू टाइप जो भी आप टैक्स टाइप करते हो रिप्लेस द एक्जिक्यूटिंग टैक्स वो रीप्लेस हो जाता है जो आपका पहले का टैक्स होता है अगर ऑफ होता है तो जो पहले का टैक्स उसके साथ रिप्लेस होता है अगर ऑन है तो वो न्यू टैक्स टाइप करता है जहाँ पर आपका कर्सर होता है बेटा ये था हमारा कीबोर्ड का चैप्टर इसकी जो ब्रेन एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू